मुंबई के छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदला, अब छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा। 1 सितंबर से मुंबई में फिर दौड़ेगी मोनोरेल, आग लगने की घटना के बाद करीब 10 महीने तक बंद थी मोनोरेल। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली से मुंबई तक एक्सप्रेस का ब्लूप्रिंट सामने रखा, कुल 12 लेन का होगा हाईवे। दिल्ली के पीतमपुरा में स्कूटी गिरने को लेकर शुरू हुए विवाद में एक शख्स के सिर में गोली मारी, शख्स की हालत गंभीर, बदमाश मौके से फरार। दिल्ली के मंगोलपुरी में नकाबपोश बदमाशों ने बदले की नियत से स्थानीय लोगों पर धारदार हथियार से वार किया, आधा दर्जन लोग घायल, सीसीटीवी में कैद मारपीट का वीडियो। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चों की मारपीट का वीडियो हुआ वायरल, एक लड़का सेल्फी मोड पर झगड़ा रिकॉर्ड करते हुए हंसते हुए नजर आया। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा के जेवर थाना इलाके में एक लड़की को अगवा कर जंगल में जबरदस्ती शराब पिलाकर पहले मारपीट की, फिर किया गैंगरेप, दो आरोपी गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा की एलजी को ग्रीन मिडोर सोसाइटी में आवारा कुत्तों का आतंक, 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को कुत्तों ने काटा। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में एक महिला ने बिल्डिंग से कूदकर खुदकुशी की कोशिश की, भीड़ ने तुरंत पुलिस को खबर कर महिला को बचाया। कोलकाता एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ ने सैटेलाइट फोन के साथ एक ब्रिटिश नागरिक को पकड़ा, बिना परमिशन फोन ले जाने का मामला। पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में एक बैंक कर्मी की टुकड़ों में कटी लाश मिलने से सनसनी, पुलिस को लूट के इरादे से हत्या का शक, 3 लाख रुपए लेकर लौट रहा था शख्स। कोलकाता पुलिस ने नकली दूध बेचने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।